ओके तो शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे होमोजीनियस फंक्शन। ये भी आपका कैलकुलस का ही पार्ट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। और इवन दो इस चीज को समझना है कि कैसे होता है और किस फंक्शन को हम लोग होमोजीनियस फंक्शन बोल लेंगे, तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंशन किया हुआ, आप देख रहे होंगे। जैसे कोई फंक्शन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे तो वहां पर कुछ और कंडीशन था, तो वो चीज यहाँ पे नहीं लगाना है। ओके, और सबसे इजी वे में मैं बात करूं तो आप क्या देखना है कि जो जितने भी यहाँ पे टर्म अवेलेबल हैं उसमें जितने वेरिएबल हैं सबका पावर जोड़ने पे सेम आ रहा है क्या। लाइक यहाँ पे देखिए पावर टू है, यहाँ पे पावर क्या है, दो वेरिएबल है, दोनों का पावर वन है, वन है, तो इसका सम क्या होगा, टू। वैसे यहाँ पे क्या पावर टू है, तो सबका पावर टू है, तो एक क्या होगा, एक होमोजीनियस फंक्शन होगा विथ डिग्री टू। ओके, तो अगर हमें कोई फंक्शन एफ दिया हुआ है तो उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ दिस गिवेन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आइदर दिस और दिस। मतलब इसको देखिए, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाहर ले लीजिए तो यहाँ पे लिखेंगे वन प्लस टू वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये देखिए फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स बन गया, दैट इज इसको हमने लिख दिया वाई एक्स स्क्वायर इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। इवन दो इसको हम लोग दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, दूसरे तरह से कैसे कर सकते हैं, वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस टू वाई बाई टू एक्स बाई वाई प्लस वन, दैट इज इसको हमने लिख दिया वाई स्क्वायर सम फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई। तो इसी दोनों फॉर्म को यहाँ पे नोट डाउन किया गया है कि कोई फंक्शन एफ है तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, ठीक है, जितना हम मैक्सिमम कॉमन ले पा रहे हैं, अगर उस फंक्शन को इधर इस फॉर्म में और इधर इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। और मैं बता रहा हूं कि आप कैसे करना, आप जितने भी वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे आप उनका पावर ऐड करके देखना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ए टू एक्स वाई स्क्वायर ले लिया, तब ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो उस टाइप का नहीं बने। मीन्स इसका पावर देखिए टू है, इसका पावर थ्री हो गया, इसका पावर टू हो गया। यहाँ पे आप कुछ कॉमन लेके देखिए वो चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, वन प्लस टू वाई वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ए आपका यहाँ पे देखिए, अगर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो टू इंटू वाई बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स हो जाएगा। ये वाला इसके फॉर्म में तो नहीं आया ना, दैट इज आप इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसको कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है तो इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं। दूसरे तरीके से कैसे देखते हैं, अगर कोई एफ एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है, तो आप कुछ कॉन्स्टेंट ले लीजिए, कोई कॉन्स्टेंट नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, मान लीजिए मैंने के ले लिया, ठीक है, तो आप क्या करिए एक्स को के एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, उसी तरह वाई को के वाई से रिप्लेस कर दीजिए। और एक करने के बाद पूरे फंक्शन में देखिए के का पावर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जो पावर कॉमन आएगा वही उसकी डिग्री हो जाएगी, दैट इज यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर एक्स वाई प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब सब में देखिए क्या है, के स्क्वायर कॉमन है, इसके बाद अंदर क्या आ जाएगा, वही चीज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देखा, दैट इज अगर हम के इधर से डाल रहे हैं, मतलब इस फंक्शन में डाल रहे हैं, तो के का सम पावर दैट इज इसको ऐसे लगा लीजिए, इतना इक्वल टू के का पावर सम एम ऑफ एफ एक्स वाई। अगर इस टाइप से लिख पा रहे हैं तो हम बोलेंगे इस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री एन और ऑफ डिग्री एन। ओके, तो आई थिंक ये चीजें क्लियर होगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस इक्वेशन। एक्चुअली यहाँ से दो रिजल्ट आता है, ठीक है, उस रिजल्ट का डायरेक्टली हम लोग अप्लीकेशन करते हैं तो आपको लर्न कर लेना कि कैसे होता है। ये कहता है आयलर्स थ्योरम कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग एफ एक्स वाई को जेड ले रहे थे, तो हमारे पास कोई जेड इस टाइप से दिया हुआ है, एक होमोजीनियस फंक्शन ले लीजिए, इफ इतना ही होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, हमारे पास कोई होमोजीनियस, होमोजीनियस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जस्ट पहले हमने देखा। तो अगर कोई हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन क्या है, एक्स और वाई का है और कुछ डिग्री होगा ही, ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन,
ठीक है, इफ जेड इज ए फंक्शन, जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री एन, ठीक है, देन यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो डायरेक्टली थोड़ा देर पहले हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव सीखे थे, तो डेल जेड बाई डेल एक्स को हम लोग क्या लिख रहे थे, जेड एक्स लिख रहे थे, ठीक है, तो यहां पे वही चीज मैं यूज करूंगा, देन एक्स टाइम्स जेड एक्स प्लस वाई टाइम्स जेड वाई इक्वल टू हो जाता है एन जेड, डायरेक्टली ये रिजल्ट है। और ऐसे एक और रिजल्ट है, इसी दो रिजल्ट से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया, पहला तो ए रिजल्ट है, सेकेंड है कि एक्स स्क्वायर जेड एक्स एक्स प्लस टू एक्स वाई, एक्स वाई है ना, तो टू एक्स वाई जेड एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड वाई वाई ए इक्वल टू हो जाता है एन टाइम्स एन माइनस वन, और उसको कुछ एफ मान लीजिए, तो ए एफ हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो एफ यहाँ पे हमने इसको नोट डाउन किया हुआ ना, ये पूरा एफ अगर उसको उसके फॉर्म में लिख पाते हैं तो इसका वैल्यू होगा ये होगा। तो आपके एग्जाम में क्या पूछता है, डायरेक्टली एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, सॉरी एक इक्वेशन दिया रहेगा कुछ एफ इक्वल टू, और आपसे पूछेगा इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये नहीं कि डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करने लगना, उस तरह भी आप पहुंच सकते हो, मैं भी वो टाइम के लिए होगा, तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर हो रहा है तो आप डायरेक्टली इस केस में एन जेड लिख दोगे, और इस केस में एन इंटू एन माइनस आप जेड बोल, हम जेड लिखे हैं ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे आप जेड भी बोल सकते हैं, ओके। तो ये कैसे काम करता है एक बार हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, तो एक बार प्रूफ देख ले रहे हैं कैसे होता है, दो लाइन में प्रूफ करवा दूंगा मैं, प्रूफ ज्यादा नहीं करवाता, ओके। ए का ले लीजिए, चूंकि जेड इज होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन दैट इज हम लोग जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू कुछ एफ एक्स वाई था, तो इसको मान लीजिए आप एक्स वाला टर्म लीजिए बाहर, तो मान लीजिए हम लोग एक्स वाला ले लेते हैं, तो एक्स वाले के फॉर्म में हम लोग कैसे इसको लिख रहे थे, कुछ जी ऑफ वाई बाई एक्स ऐसे लिख रहे थे हम लोग, ओके। अब हमें यहां से जेड एक्स निकालिए, जेड वाई निकालिए, और लेफ्ट साइड में पुट करके देखिए आ रहा है क्या उतना, दैट इज सो आपका जेड एक्स क्या हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए, दैट इज एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन जी वाई बाई एक्स। अब इसको फिक्स करिए पहले वाले को, तो ये हो जाएगा एक्स बाई एन, और इसका करिए तो इसका हो जाएगा वाई बाई एक्स इंटू अंदर वाले का करिएगा तो माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप लोग भी कैलकुलेशन अपना मेरे साथ साथ करते चलिए, आप लोग भी जेड वाई निकालिए, तो जेड वाई निकालेंगे तो इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो पहला तो एक्स का फंक्शन है तो ये एज इट रह जाएगा, सेकेंड थिंग इसका करेंगे तो ये डेरिवेटिव होगा यहाँ पे छूट गया जी डैश वाई बाई एक्स, और अंदर वाले का करेंगे तो वन बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में क्या करना है, आपको एक्स टाइम्स जेड एक्स प्लस वाई टाइम्स जेड वाई निकालना है, तो आप क्या करिए फर्स्ट वाले में एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकेंड वाले में वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों का ऐड कर दीजिए, जो आएगा देखिए क्या एन जेड आ रहा है, तो करते हैं सो एक्स टाइम्स जेड एक्स प्लस वाई टाइम्स जेड वाई। अब इसको पुट कर इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एन टाइम्स एक्स पावर एन जी वाई बाई एक्स प्लस ए क्या दे देगा, इधर भी मल्टीप्लाइड था ना, तो एक से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा एक्स पावर एन जी डैश वाई बाई एक्स इंटू माइनस वाई बाई एक्स, ओके। प्लस अब इसमें वाई से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, दैट इज वाई एक्स ए, और ए वन बाई एक्स है, वन बाई एक्स इंटू जी डैश वाई वन बाई एक्स। अब ये देखिए कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, सारे अच्छा दो डेरिवेटिव वाले हैं, ओके, एक बिना डेरिवेटिव वाला दो डेरिवेटिव वाला, तो ये जी डैश माइनस वाई बाई एक्स प्लस, ओके ए माइनस वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों सेम टर्म है ए और ए, ए इसमें ए माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो इसको मैं नेक्स्ट लिख दे रहा हूँ, ए आया तो अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं प्लस कर दे रहा हूँ। अब देखिए ये दोनों सेम टर्म है तो कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन जी वाई बाई एक्स, ओके।
और आपके याद हो तो जेड को हमने क्या लिखा था, अगर ए वाला यहां से देखिए, ए हो जाएगा एक्स टू द पावर एन जी वाई बाई एक्स। ओके, तो यहां से आप कर दीजिए इसको रिप्लेस, एन बार एज इट रह जाएगा एन टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका जेड। तो ये आ गया, दैट इज एक्स टाइम्स जेड एक्स प्लस वाई टाइम्स जेड वाई, आपका बन जाएगा एन जेड। अब यही आपका फॉर्मूला है, ट्रिक है, जो भी कर लीजिए। तो सेकंड में आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि देखिए ऐसे सेम ही कैलकुलेशन है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं आप कैसे करेंगे, ठीक है, इस बी को प्रूफ करने के लिए। हमें ये पहला ऑपरेशन हमारे लिए ट्रू हो गया, मतलब ए रिजल्ट इस टाइप से होल्ड करेगा, ठीक है। अब क्या करना, अब अगेन इसको देखिए, हमें इसमें ए टर्म चाहिए, हमें जेड एक्स चाहिए, जेड एक्स वाई चाहिए और जेड वाई वाई चाहिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ओके, जो निकला तो इसमें देखिए हमें क्या होगा, उसमें देखिएगा कि एक्स का टर्म जेड एक्स के साथ है कि नहीं है, अगर नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, सिंगल एक्स होगा तो एक्स से मल्टीप्लाई करना, मतलब आपको ए टर्म बनाना है, उसी तरह ए टर्म बनाना है, बस आप इसमें एक्स एक्स से और इसमें वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, उस टर्म होगा उसका समेशन करेंगे, मतलब फर्स्ट टाइम आप डेरिवेटिव किया एक्स के रिस्पेक्ट में इसका, अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, जो आएगा इस वाले इक्वेशन में एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, इस इक्वेशन में वाई से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों का सम कर देना तो आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए टेंशन लेने के लिए जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, सो आप अपने से प्रैक्टिस करना और जो दिक्कत होगा वो देख लेना, ठीक है, कि कैसे आपने कहाँ मिस्टेक किया हुआ है, क्या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सिंपल तरीके हैं तो इस पर टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी को लगता है तो आप चैट बॉक्स में इमीडिएटली पुट करिए, मैं इसको सोल्व करवा दूंगा। सेम कंसेप्ट को हम कैसे एक्सटेंड करें इस कंसेप्ट को, ठीक है। वहां पे हमने क्या लिया था, जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब एज्यूम करिए इसी को नाउ लेट, ये जो जेड है आपका ना, मतलब ऑब्वियस ही बात है यहां पे भी एक्स वाई का फंक्शन था, इसको ना ऐसे सोचिए कि आप दो तीन फंक्शन के सम के फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज जेड इक्वल टू आपने कुछ लिख लिया एक्स कोमा वाई, फिर कुछ जी एक्स कोमा वाई और कुछ जी एच, आप इनसे ज्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए और भी चाहें तो आप और भी लिख सकते हैं। ओके, तो जस्ट मैं तीन के लिए बता दे रहा हूं, एक के लिए तो आप समझ गए, तो आप जब ये तीन के लिए समझ जाएंगे तो आपको इन जनरल वाला भी कंसेप्ट इजिली समझ में आ जाएगा। ओके, अभी चीज होगा तो इसी सेम कंसेप्ट को हम एक्सटेंड करते हैं। अब हमने पहला रिजल्ट क्या लिखा था, एक्स टाइम्स जेड एक्स प्लस वाई टाइम्स जेड वाई, और इससे पहले हमारा क्या आया था, एन टाइम्स जेड, क्लियर। अब ये जूम करिए कि जब हम इस फंक्शन को इस टाइप से लिख पा रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा कंडीशन है जहां पे मतलब जैसे हम एक बार में तो होमोजीनियस नहीं बना पा रहे, बट ए भी होमोजीनियस है, ए भी होमोजीनियस है, ए भी होमोजीनियस है, ठीक है, इसका डिग्री कुछ एम मान लीजिए, इसका डिग्री कुछ एन मान लीजिए, और इसका डिग्री कुछ आर मान लीजिए, ठीक है। दैट इज वी हैव गिवेन ए फंक्शन जेड विच कैन बी रिटेन एज सम ऑफ होमोजीनियस फंक्शंस। ओके, दैट इज यहाँ पे देखिए एक्स तो होमोजीनियस नहीं है, बट एफ होमोजीनियस है विद डिग्री एम, जी होमोजीनियस है विद डिग्री एन, एंड एच होमोजीनियस है विद डिग्री आर। तो इससे पहले हमारा एक टर्म में होमोजीनियस था तो हम एन जेड लिख दे रहे थे, बट अब यहाँ पे अलग अलग है तो आप क्या करिएगा, जिसका डिग्री जिसके साथ है आप उसको उसके साथ लगा के लिख दीजिए, दैट इज एफ का डिग्री एम है तो आप एम एफ। अब एज्यूम करिए कि इतना टर्म नहीं था, अगर ये नहीं था तो हमने थोड़ा देर पहले यही पढ़ा था ना, एफ की जगह मैंने जेड लिखा था एम एफ हो गया, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया है तो अब एक्स्ट्रा आ गया तो उनको भी लिख दीजिए एन टाइम्स जी प्लस आर टाइम्स एच। अब इनके अलावा भी दे दे, मान लो आप एक और भी फंक्शन दे दे तो उनका भी जितनी डिग्री होगी उसके सम के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ए था आपका उसका एक्सटेंडिंग फॉर्म। ओके, सेकेंड ऐसे एक और रिजल्ट है, कौन सा, जो हमने देखा था एक्स स्क्वायर जेड एक्स एक्स प्लस टू एक्स वाई जेड एक्स वाई, ओके, प्लस वाई स्क्वायर जेड वाई वाई, ये चीज देखा था। और ए वहां पे क्या लिखा था हमने, एन इंटू एन माइनस वन टाइम्स एफ, मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूं, ए वाला था एन इंटू एन माइनस वन टाइम्स एफ। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये तीन फंक्शन का सम आ गया है ना, बस जैसे इसको जनरलाइज किए हैं
उसी तरह उस वाले को भी जनरलाइज कर देना है। दैट इज हमारे पास जो जेड दिया हुआ है वो क्या है, अब होमोजीनियस फंक्शन के सम के फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे क्या, एफ का डिग्री एम है, जी का डिग्री एन है और एच का डिग्री आर है। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सेम फॉर्म में जैसे ऊपर हमने कन्वर्ट किया था। दैट इज इसका डिग्री एम है, इसको लिखेंगे एम इंटू एम माइनस वन टाइम्स एफ। ओके, एज्यूम करिए जी और एच नहीं होगा, तो यही रिजल्ट हमने पढ़ा था। अब जी और एच और इन्वॉल्व हो गया, जी का डिग्री कितना है एन, ए हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन टाइम्स जी प्लस आर के लिए क्या हो जाएगा, आर इंटू आर माइनस वन टाइम्स एच। अभी बन गया जैसे मैंने वहां बताया, आप इसको प्रूफ कर लेंगे तो ए वाला भी आपका, सेकेंड वाला ऑब्वियसली होल्ड हो जाएगा। तो ए आपका था कंसेप्ट जो आपको फॉलो करना था, ठीक है। ओके, एक दो और रिजल्ट है तो मैं उसको क्विकली नोट डाउन करवा दे रहा हूं, ज्यादा काम नहीं है। लेट अमीश, हमारे पास कोई एक फंक्शन एफ दिया हुआ है जिसको कुछ जैसे हमारे यहाँ पे क्या आ रहा था, जी वाई बाई एक्स आ रहा था ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यू, जहां यू क्या है फंक्शन ऑफ सब, मतलब जी वाई बाई एक्स है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि जी ऑफ यू वेयर यू इज फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन के लिए मैं बता रहा हूं कि लेट, ठीक है, लेट एफ यू इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। मतलब हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है, ऑफ सम डिग्री रहा होगा इसका, होमोजीनियस है तो ऑब्वियस सी बात है सम डिग्री होगा, ऑफ डिग्री एन। देन बस आपको ये रियलिटी याद रखना है, इससे ज्यादा इसको नहीं सीरियसली लेना है। एक्स इसको कुछ जेड मान लीजिए, ठीक है, तो एक्स इंटू जेड एक्स प्लस वाई इंटू जेड वाई, वाई इंटू जेड वाई। और हमने इसके लिए क्या पढ़ा था कि ए इक्वल हो रहा था एन जेड के, ओके, एन जेड के इक्वल हो रहा था। अब ए क्या होगा, इक्वल टू सम इन एजिट रह जाएगा और यू होता है ना, तो एफ यू अपॉन में इसका डेरिवेटिव, ए इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। ए आपका होमवर्क रहेगा, एक बार आप इसको ट्राई करना कि कैसे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हिंट ये बता दिया कि कैसे आप इसको करोगे, ठीक है। तो मैं रिकॉल इसको बस करवाता जा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं तो हर किसी का आपको प्रूफ नहीं देखना है, बस हमें क्या करना है कि जब प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट होगा, जहां जरूरत होगा मैं बताऊंगा, जो जहां प्रूफ का पार्ट, जैसे मैंने एक पार्ट बताया उसे सारा कवर हो जाएगा। तो आप इसका इसको एनालिसिस करना है कि इतना हो रहा है कि नहीं, बस इतना देखना है, कैसे करोगे आपकी ड्यूटी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया था, उसी तरह जो दूसरा वाला फॉर्मूला हमने बताया था, दूसरे वाले फॉर्मूले के लिए भी आ जाइए। इसमें था एक्स था नहीं एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर जेड एक्स एक्स प्लस टू एक्स वाई जेड एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड वाई वाई, ये था वहां पे था एन इंटू एन माइनस वन टाइम्स एफ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो एफ है एफ यू इंटू इसका डेरिवेटिव एफ डैश यू माइनस वन, ठीक है, ये होगा। अब कैसे होगा, ये आपका फिर से ड्यूटी है, अगर आप पहला कर लेंगे तो दूसरा भी कर लेंगे, ठीक है। तो मेनली आपको फोकस पहला पे करना, इन सबको करने से पहले जो ये मैंने वहां पे पीछे छोड़ा था उसको कर लेना, क्योंकि वो करने के बाद ही ये दोनों अच्छे से समझ में आ पाएगा। ओके, तो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, क्विकली उसका आंसर बताना है कि क्या होगा, मतलब इजी है, जस्ट इसके एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं आप। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज True. ठीक है, then which of the following is true? Option है आपका A हो गया X, U है ना, X U X plus U Y equal to zero. दूसरा हो गया X U X plus Y U Y equal to कुछ one ले लो. C हो गया कुछ X square U X X plus 2 X Y u एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई बाई इक्वल टू कुछ फाइव, कुछ भी मन कर दे जीरो ले लो, ठीक है, और d नन ले लो, ठीक है। तो आप क्विकली बताइए इसका क्या होगा आंसर, आपका क्या रहेगा वर्क, एक तो फॉर्मूला बेस्ड बताइए
फॉर्मूला बेस से तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। और एक सोल्व करिए, मतलब एक में एफ एक्स और एफ वाई निकालिए, और यहाँ पे सॉरी यू है ना, हाँ तो यू एक्स निकालिए, एक में आप यू एक्स निकालिए कैलकुलेट करके, फिर यू वाई निकालिए, फिर इसमें एक्स और इसमें वाई से मल्टीप्लाई करके देखिए कि इतना आ रहा है कि नहीं, मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 या 1, क्या आ रहा है। ठीक है, इसके लिए नहीं करना है, बहुत लंबा जाएगा तो इसको नहीं करना है, तो हम फॉर्मूला से कर लेंगे। तो एक्स टाइम्स यू एक्स क्या होगा, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए तो टेन थीटा का हो जाता है 1/थीटा स्क्वायर। ठीक है, टेन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 1/थीटा स्क्वायर, तो 1/थीटा स्क्वायर करते हैं, 1/x² इनटू, अब थीटा का डेरिवेटिव दैट इज y/x का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ y/x², ये हो गया। ओके, प्लस y टाइम्स u का y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टेन का हो जाएगा फिर से वही चीज 1+y/x². ओके, और इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 1/x। तो अब देखिए क्या आ रहा है, इधर से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स y/x, इधर हो जाएगा 1+y/x² ओके, प्लस इधर करेंगे तो हो जाएगा y/x, इधर 1+y/x². ठीक है, ये चीज आपका आ गया। अब देखिए दोनों सेम चीज है तो कैंसल आउट होके 0 हो जाएगा, तो इस तरह ये वेरीफाई हो गया। तब आपको एग्जाम में मान लीजिए यहाँ फंक्शन थोड़ा सा इजी था, आपने इजीली कैलकुलेशन कर दिया, लेकिन हर जगह तो नहीं कर सकते ना। ओके, तो ये टाइम की लेंगे तो आपको इस टाइप से रिजल्ट याद रखना होगा, कब, जब यू होमोजीनियस फंक्शन हो, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ होमोजीनियस फंक्शन है, कितना डिग्री है, डिग्री 0 है, कुछ नहीं है, तो क्योंकि कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में क्या है, x^0 या हाँ x^0 से मल्टीप्लाइड है ना, तो 0 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का ध्यान रखना, और ये फॉर्मूला आप लर्न किए रहोगे तो इसका सी भी होना चाहिए, सी भी होगा ट्रू, फॉर्मूला लर्न किए रहेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ।